हाय गाइस, शिवोस कोडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपेरेंट पावर, रियल पावर या फिर रिएक्टिव पावर, ये क्या क्या चीज़ होती है और इनमें क्या कुछ डिफरेंस और क्या कुछ चीज़ क्या इनके बीच में रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपेरेंट पावर की। अपेरेंट पावर वो पावर है जो आपके पास टोटल पावर अवेलेबल है। अपेरेंट पावर बोला है, टोटल पावर आप कह सकते हैं। और यानी कि आपके पास सपोज करते हैं कि आपके पास 25 किलो केवीए आपके पास पावर है, तो ये आपकी पावर जो है ये आपकी अपेरेंट पावर है कि आपके पास टोटल पावर अवेलेबल है। तो अपेरेंट पावर को जो डिनोट किया जाता है वो केवीए अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो अपेरेंट पावर की बात हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की, तो हमारे पास अवेलेबल तो आपने देखा कि 25 केवीए पावर थी जो कि हमारी अपेरेंट पावर है, फिर टोटल पावर आप कह सकते हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर लोड है तो वो जितनी पावर अवेलेबल है उस पावर का टोटल यूज कर लेगा। कुछ पावर तो लॉसेस के अंदर भी आपकी रिड्यूस होगी, कुछ लॉसेस होंगे, कोई भी सर्किट है या फिर कोई भी आपका सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, तो कुछ पावर जो वेस्ट हो जाती है, द पावर वेस्टेड, तो जो पावर वेस्ट होती है वो आपकी रिएक्टिव पावर कहलाती है। सपोज करते हैं हमारे पास 25 केवीए अपेरेंट पावर थी और हमारी कुछ पावर वेस्ट हो गई, सपोज करते हैं 2 KVAR। तो यहाँ रिएक्टिव पावर को KVAR से डिनोट किया जाता है, तो 2 KVAR आपकी पावर वेस्ट हो गई है लॉसेज के कारण, कोई भी लॉसेज हुए तो उसके कारण आपकी पावर वेस्ट हो गई है। तो जो अब पावर जो आपकी बच गई है वो आपकी रियल पावर है, यानी कि रियल पावर जो है वो आपकी जो एक्चुअल में जो यूज हो रही है पावर, तो वो आपकी पावर होगी रियल पावर। जो पावर आपकी एक्चुअल में यूज हो रही है वो आपकी होती है रियल पावर। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और सपोज करते हैं ये आपका, अगर ये टोटल आपकी अपेरेंट पावर है, टोटल आपकी अपेरेंट पावर है, तो इसमें से कुछ पावर आपकी वेस्ट हो गई है और वो वेस्ट जो पावर है उस पावर का नाम होता है रिएक्टिव पावर। और जो पावर आपकी यूटिलाइज हो रही है, काम में ली जा रही है, जिस पावर को काम में लिया जा रहा है वो आपकी पावर है रियल पावर। तो इस तरीके से आप रियल और अपेरेंट और रिएक्टिव पावर में डिफरेंस कर सकते हैं। और जो अपेरेंट पावर होती है उसको हम डिनोट करते हैं केवीए से, जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है उसको डिनोट किया जाता है केवीएआर से, और जो आपकी रियल पावर है उसको डिनोट किया जाता है किलोवाट, यानी कि केडब्ल्यू से आपकी रियल पावर को डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है इन तीनों के बीच में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपेरेंट पावर होती है, यानी जो अपेरेंट पावर है वो रेशियो होती है बेसिकली आपका रियल पावर का रिएक्टिव पावर से, रियल पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टिव पावर। तो गाइस, ये थी बेसिक वीडियो जिसमें मैंने आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर में क्या कुछ डिफरेंस है और क्या कुछ इनकी सिंबल्स यूज किए जाते हैं इनको डिनोट करने के लिए। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।